अच्छा एक बात विचार करो, चिंता में कौन व्यक्ति है, चिंता किसे है? चिंता उसी व्यक्ति को है जिसे कुछ आशा है, जिसे आशाएं, जिसने आशाएं पाल रखी हैं, उसी व्यक्ति को चिंता है। अब एक सज्जन थे, एक सज्जन को बड़ी चिंता। लोगों ने पूछा, भैया तुम्हें किस बात की चिंता है? बोले, और तो सब ठीक है, पर एक चिंता ये है कि हमारे पास हमें पहनने के लिए जूते नहीं है। बोलो, राधे राधे। और हमेशा उसे यही चिंता लगी रहती, मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, चिंता करता रहता। एक दिन एक महात्मा मिल बैठे। महात्मा ने कहा, भैया जरा बता तुझे क्या चिंता है जो तू ऐसे दिखाई पड़ रहा है। महात्मा से बोला, भगवान क्या करें, मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं है। महात्मा बोले, चल हम तुझे बताते हैं। महात्मा ने पहले कहा, देखो भैया तुम पर बड़ी कृपा है भगवान की। बोला, अरे क्या खाक कृपा है, पहनने के लिए जूते तक नहीं है। महात्मा उस व्यक्ति को शहर ले गए। वो यही कोसता रहे, मेरे पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है, बड़ी चिंता। महात्मा ने झोपड़ी में रहने वाले एक व्यक्ति को दिखाया और बोले, देख तुझ पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, तेरे पास तो जूते नहीं है पहनने के लिए, और इस व्यक्ति को देख, इसके पास तो पैर ही नहीं है, इसके पास तो पैर भी नहीं है, और तू भगवान को कोसता रहता है, मेरे पास जूते नहीं, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया। अरे उनसे तो तू अच्छा है। तो चिंता व्यक्ति जब आशा करता है, जब इच्छाएं पालता है, भाई जब इच्छाएं पालोगे ही नहीं तो फिर काय बात की चिंता, फिर चिंता क्यों होगी? और चिंता तो बड़ी बलवती है। चिंता ऐसी डाकनी काट कले जा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा खिलाए। ऐसी अभागनी चिंता है। तुम कहा तुम सूख रहे हो, भैया सूख किस लिए रहे हो, तुम परेशान क्यों हो, तुम्हारा शरीर घटता क्यों जा रहा है? बोले, इसलिए घटता जा रहा है क्योंकि तुम चिंता में हो, तुम तुलना करते हो। कई लोगों की आदत होती है, कई लोगों की आदत होती है कि अरे मैं तो इसके बराबर नहीं बन पाया, ये तो मुझसे आगे निकल गया, ये तो मुझसे बड़ा बन गया, इसी बात की चिंता हो गई। लेकिन देखो, चार चीजें करना जिससे चिंता मिट जाएगी, उपाय भी बता दिए देते हैं। चार बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात, आप अपने पर भरोसा रखो, आप स्वयं पर भरोसा रखो, किसी भी काम को करो। दूसरी बात, दूसरों से तुलना करना बंद करो, दूसरों से तुलना अपनी खुद की मत करो। अब कई लोग दूसरों से तुलना करने लगते हैं कि ये ऐसा है, मैं इसके साथ ऐसा हूं, या इसकी बराबरी मैं नहीं कर पा रहा, ये भी मत करो। तीसरी बात, किसी भी कार्य में आप सक्रिय रहो, किसी भी कार्य में सक्रियता रखो। हाँ, ये कार्य मैं कर रहा हूं, इसको मैं पूरी लगन से करूंगा। और चौथी बात, नए नए कार्यों की योजना बनाओ। ये चार काम करो, तब किसी भी प्रकार की चिंता से परेशान नहीं होगे। बोलो राधे राधे, राधे।